वालेकुम गाइस, होप आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अच्छा जी, तो अब हम दाखिल हो रहे हैं, वेलकम टू लिखा हुआ है ना, वेलकम टू एडवेंचर फाजी रिसोर्ट अपर कचूरा। अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं अपर कचूरा लेक की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फूड पॉइंट है। और अगर सच पूछें तो अभी तक इस स्कर्दू में इतनी जगह मैंने घूमी है उसमें मुझे ये लेक सबसे प्यारी लगी है, क्योंकि इसका रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। बीच में हमें सिटी मिला, सिटी क्या वो गाँव है, कचूरा गाँव। और आपको पता है कि गांव वैसी, और जब हम उस कर्दू में तो उसके इर्द गिर्द कितना खूबसूरत गांव होते हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पे फूड पॉइंट्स हैं, वॉशरूम भी अवेलेबल हैं, और जो है खाना भी मुनासिब रेट में था। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर घूमने के लिए। अच्छा, यहीं से ही आप सू वैली है वहाँ जा सकते हैं, तो वो उसका किराया आपको 2000 से लेके 3000 तक की दरमियान पड़ेगा। वहाँ पे बिल्कुल साफ़ शफाफ दरिया बहता हुआ नज़र आता है, साथ में झील है और उसकी अपनी ख़ूबसूरती है। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम दोसाई पार्क जाना चाह रहे थे, नेशनल पार्क, लेकिन आज जो है 25 जून 2023 और रास्ता जो है वो बंद है। अभी लोगों के मुताबिक अभी वो खुलना शुरू हुआ है, तो इस कर्दू से अगर हम जाते हैं तो जस्ट हम बड़ा पानी की तरफ जा सकते हैं। और जो अस्तूर वाला रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, डेंजरस था, तो हमने वो नहीं लिया और हम इस कर्दू की तरफ आ गए। और जस्ट बड़ा पानी, मतलब वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम पहले यहाँ पर उस तरफ जो है हम जा चुके हैं, तो हमें वो इतना नहीं मज़ा आया। और अगर आपने स्पेशली देवसाई और वहाँ पे जो कहते हैं कि 150 से 200 परिंदों की आवाज़ें एक वक्त में सुनाई देती हैं, अगर आप वाकई ही नेचर को महसूस करना चाहते हैं, तो आप 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच यहाँ पर आएँ, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फूल नज़र आएंगे, मतलब एट अ टाइम लोगों के मुताबिक यहाँ पर। और जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें यहाँ पर 100 टाइप के फूल जो है हमें नज़र आए, डिफरेंट और डिफरेंट कलर्स के, ऐसे कलर जो कि शायद हमने बीइंग अ फीमेल हमने कपड़ों में भी नहीं देखे हों। ये है जनाब इस अपर कचूरा का अपर व्यू, देखें आप बादल कितने साफ नजर आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये पीछे सारा वो गांव है कचूरा, ठीक है। और वो रास्ता जहाँ से हम आए हैं, तो आगे मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगी।
अच्छा जी, अभी बोट के हवाले से बात हुई है तो ये कोई 1.5 किलोमीटर की टोटल जो है अपर कचूरा है, और उन्होंने हमें बताया कि हम 1.5 किलोमीटर इस बोट पे आपको राइड करवाएंगे, और जो है इसके जो चार्जेस हैं वो उन्होंने बताए हैं 2000। तो जनाब ये हालत है यहाँ पे, मतलब आप जब आएँ तो जेबें जो है वो गर्म हो, और बीइंग अ फैमिली ये बड़ा इशू था, जिस तरह से कि देवसाई जाना था और देवसाई रास्ता भी नहीं है, फिर भी बड़े पानी तक जो है ना वो 18,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मतलब एक फैमिली जो कि रिजनेबल टूर चाह रही है उसके लिए 18,000 रुपये देना बड़ा मसला है। और अगर हम जॉइनिंग की बात करते हैं कि हम किसी के साथ कंबाइन हो जाएं, तो इस तरह की कोई फैमिलीज़ नहीं मिल रही, अगर मिलते हैं तो वो मतलब कुछ लोग यू नो बेटर के, मतलब सम टाइम आप फैमिली के साथ हैं तो हर बंदे की अपनी नेचर है, और कुछ लोग रिज़र्व होते हैं, मतलब जिस तरह से कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं कुछ कपल्स या इस तरह से, तो वो मतलब जो है फिर मसला हो जाता है आपके लिए, कि अगर आपकी फैमिली में कोई पर्देदार खातून अवेल करती है तो फिर वो बड़ा इशू है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है कारामद साबित होगी, और जो हालात हमने फ़ेस किए हैं तो उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग जो है जब आएँ तो अपनी सारी कैलकुलेशंस कर लें, देख लें कि हमने कहाँ जाना है, कौन सी ज़्यादा फिजिबल जगह है। अच्छा जी, तो एक पॉइंट है ऊपर की तरफ कचूरा लेक पर ही, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस। अच्छा जी, अब हम अपर कचूरा से वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं, स्कर्दू की तरफ, और आपने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था कि बहुत ज़्यादा नीचे गए थे स्टेयर्स के थ्रू, और अब सांस इसीलिए बहुत ज़्यादा फूली हुई है कि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं और ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये जी कचूरा विलेज का रास्ता शुरू हो गया है, हम गेट तक पहुंच गए। ये साइडों में दोनों तरफ गंदम लगी हुई है, कुछ जगह पे गंदम तैयार है, कुछ जगहों पे अभी कच्ची है, और ये इसका ट्रैक है। ये सारे आपको घर बने हुए नजर आ रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये झील का आबशारों का बहता हुआ पानी और इसका शोर कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए साइडों पे गन्नू, ये सारा विलेज है। ये पार्किंग है और यहाँ पे आपको सारा ड्राई फ्रूट मिलेगा, यहाँ की चेरीज, ये देखें शहद, जैम। और जब हम कचूरा लेक से आएंगे तो ये पहली पार्किंग है जहाँ पे बहुत कम लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो आगे की तरफ करते हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा कच्चा रोड है ख़राब, तो अगर आप कल्टस पे, एक्सलाय पे या विट्स पे आ रहे हैं तो गाड़ियाँ ख़राब होने के चांसेस हैं। ये देखें कितने प्यारे मनाजिर हैं इस गांव के, और जनाब अब कुछ मेरी सांस में सांस आई है। अच्छा जी, ये है यहाँ का लोकल बिस्किट
बकोल लोगों के हमने यहाँ से लिया है। अब इसको खा के देखते हैं कैसा लगता है, इसका टेस्ट कैसा है। दुबई जाए तो सर यहाँ से डायरेक्ट। अच्छा, तो सर यहाँ टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा वो दिखाने के लिए सेल लगाया हुआ है सर। अच्छा जी, इसका अभी हमने टेस्ट किया है, बाकी इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। अच्छा है, ये ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ है यहाँ का लोकल। तो जब आप लोग अपर कचूरा पर आएँ तो यहाँ से आपने ये लेना है और ज़रूर टेस्ट करना है। एक पैकेट 50 रुपीज़ का है, 150 सॉरी। इसमें क्या कंसेशन हो सकती है? 140 का 10 रुपये। ये डिफरेंट जेम्स हैं यहाँ पर, 4000 रुपये ड्राई फ्रूट है और एक बकोल इनकी की, ये खुबानी का तेल है जो कि एक बोतल जो है 50 रुपीज़ की है। इसमें फैक्ट्री वहाँ लगाया हुआ है सर। अच्छा जी, हम जा रहे हैं सोनू वैली की तरफ अपर कचूरा से, और यहाँ से हमने एक कार जो है यहाँ की लोकल वो हायर की है और उसने हमसे लिए हैं, बताए 2500 थे, पढ़ लिए उसने 2000 है क्योंकि बकोल उसके के वो कुछ टाइम हमारे एरिया में रह के जा चुका है। तो जब बातचीत हुई तो अच्छा जी, ये देखें, ये हम वैली रास्ते में काफ़ी सारे छोटे छोटे से जो है वो मतलब वैलीज टाइप पड़ रही हैं, जहाँ हर किसी ने सबसे अच्छी बात ये लगी कि किचन गार्डनिंग किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे होम स्टेट गार्डनिंग नज़र आया। होम स्टेट गार्डनिंग इज़ दैट कि वहाँ पे आपके पास हर चीज़ है, आपके पास लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, आपके पास जो है फ्रूट ट्रीज़ हैं, और ये आपके पास जो है नीचे मुख्तलिफ जो है वो सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये सब जो है वो ऑर्गेनिक है, तो यहाँ पे कोई लोग जो है ना जस्ट ये जानवरों की खाद वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रेन फीड एरिया है, बारिशों के ऊपर जो है इसका सारा डिपेंडेंट हैं ये लोग। और बारिश है, आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में स्कर्दू, गिलगित और नारान कागान वाले साइड पर बारिशें जो हैं वो होती रहती हैं। यहाँ से आप लोग कुछ शॉप्स नज़र आएंगे जहाँ से आप लोग चीज़ें ले सकते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ के मनाजिर कितने खूबसूरत हैं। अच्छा जी, लोगों ने कपड़े धो के भी सुखाए हुए हैं, और ये जो पार्टीशन इन्होंने किया हुआ है ये किचन गार्डनिंग का है। अच्छा जी, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब और हमने बहुत अच्छा किया कि हम अपनी गाड़ी नहीं लाए, क्योंकि हमें कहीं बीच में ही पार करनी पड़ती। तो आपको आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है मेरी वीडियो हिल रही है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी ये बिल्कुल इसका जो रास्ता है पहले की तरह है सोनू वैली का। शुरू हो गई है और ये आप ये पानी का शोर, और ये जनाब है रोड। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं। आपने देखा Good।
और ये देखें कितना ज़्यादा पानी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दूध बहता हुआ। और यहाँ पर लोगों के मुताबिक बहुत ज़्यादा मारखोर होते हैं, पर जो है वो आम लोग उसका शिकार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अप्रूवल जो है अप्रूवल चाहिए होता है। और मिनिमम जो उसका रेट है कि आपने 10 लाख रुपए जो है ना उसका यानी उसके 10 लाख रुपए उसके शिकार के देने होते हैं। और जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो तो जो है 1 करोड़ तक देते हैं, और उनके पास एक ख़ास किस्म की बंदूक होती है, उससे वो शिकार करते हैं। यानी कि जो हंटर होते हैं वो स्पेशल होते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी जो है ना उसको शिकार कर ले। अच्छा जी, यहाँ हमने अपनी गाड़ी की है पार्क, और अब इसके बाद जो है हमने जाना है यहाँ से पैदल हाइकिंग। अच्छा जी, हाइकिंग इसलिए है कि वहाँ पर बिल्कुल साफ़ शफाफ जो है चश्मे का पानी आता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोकल लोग भी यहाँ से पानी भर रहे हैं। और लोकल लोगों के मुताबिक यहाँ से यहाँ पे फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने इसको टेस्ट किया है, तो सर्दियों में पानी गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा। और फिर अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक डबल कैब जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और सारा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब टूटा हुआ है। और ये देखें जी, ये अभी जस्ट हम नीचे ही हैं, पर पानी का शोर और पानी देखें कितना सफ़ेद है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पानी नहीं बल्कि जो है ऊपर से दूध आ रहा हो। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ इस तरह की सारे आपको पत्थर और चट्टाने नज़र आएंगी, और नीचे ये बहते हुए आबशार। ये देखिए, अभी हमने ये चश्मे का पानी भरा है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना ठंडा ये पानी है, बॉटल से आपको आइडिया हो रहा है। अच्छा जी, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हस